सो है गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम, आप देख रहे हैं द टेक 24 यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप भी फाई एप्लीकेशन यूजर है और आप लोग चाहते हो आपका एप्लीकेशन का जो अकाउंट है इसको परमानेंटली क्लोज करने के लिए, तो गाइस आज इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस आज इस वीडियो में परमानेंटली क्लोज का प्रोसेस बताने वाला हूँ। सिंपली आप लोग आपका एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आप लोग आपका जो प्रोफाइल वाला सेक्शन है इसमें क्लिक कर देना और आप लोग आपका डिटेल्स दिख जाएगा। तो सिंपली गाइस आप लोगों को क्या करना है, हेल्प जो सेक्शन है इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद सिंपली आप लोगों को ऊपर साइड में धीरे धीरे स्क्रॉल अप करते रहना है और नीचे का साइड में आप लोगों को दो ऑप्शन देखने वाला रहेगा, चैट एंड कॉलिंग का। तो सिंपली आप लोगों को जो चैट वाला सेक्शन है इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली गाइस आप लोगों को सेविंग अकाउंट में क्लिक कर देना है। सेविंग अकाउंट में क्लिक कर देने के बाद गाइस सिंपली आप लोग इधर चूज करने क्लोज योर अकाउंट। तो सिंपली गाइस आप लोग देख सकते हो क्लोज योर जो अकाउंट है इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद गाइस आप लोगों को ऊपर साइड बैनर दिख जाएगा, इधर बहुत कुछ डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली आई वॉन्ट क्लोज माई अकाउंट जो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हो, इस वाला जो ऑप्शन है इसमें आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे गाइस इस वाला ऑप्शन में आप लोग क्लिक करोगे आपका जो अकाउंट है परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, आप लोगों को एक नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हो देन क्लिक हियर जो ऑप्शन है इसमें सिंपली आप लोग क्लिक कर देना एक बार। जैसे ही क्लिक कर दोगे क्लोज माई अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आप अगर आप लोग क्लोज करना चाहते हो तो सिंपली इस क्लोज माई अकाउंट में आप लोग एक बार टैप कर देना है। तो गाइस चलिए मेरा जो अकाउंट है मैं क्लोज करना चाहता हूँ, मैं कर दिया। उसके बाद गाइस आप लोग क्यों अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो, तो गाइस अब इधर से गाइस आप लोग कुछ भी एक रीज़न दे सकते हो। तो चलिए मैं कुछ भी रैंडमली एक रीज़न को चूज़ करना चाहता हूँ। तो गाइस नीचे वाला मैं ऑप्शन क्लिक करता तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो गाइस मैं रैंडमली एक क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइस आपका सामने और भी सारा डिटेल्स दिख जाएगा। सिंपली आप लोग को प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्रोसीड में क्लिक कर देने के बाद गाइस सिंपली आपका जो पैन कार्ड का डिटेल्स है आप लोगों को इधर डाल देना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी गाइस आप लोगों को प्रोवाइड करके सबमिट कर देना है। तो चलिए मेरा जो डिटेल्स है मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को आगे का जो प्रोसेस है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनली मेरा जो डिटेल्स है मैंने डाल दिया, अभी गाइस फाइनली करने वाला सबमिट। आप लोगों को ऐसे सबमिट कर देना है। उसके बाद गाइस सिंपली आप लोग सबमिट डन स्लाइड कर देना है। थोड़ा स्लाइड करने के बाद गाइस आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा ओके गॉट इट। तो सिंपली इस पर ओके गॉट इट में क्लिक कर देना और आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा अकाउंट क्लोज होने के लिए। गाइस जैसे आप लोग अकाउंट क्लोजिंग का रिक्वेस्ट सबमिट कर दोगे आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज तक वेट करना है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है परमानेंटली क्लोज हो जाएगा। जैसे आप लोग एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए जाओगे आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा।